हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को मल्टीपर्पज़ पॉकेट बनाना बताऊंगी किट। और ये देखिए 10.5 बाई 8.5 इंच का मैंने ये पीस लिया है। और ये आप पेंसिल बॉक्स या फिर कुछ भी आप रखना चाहो वो उसके लिए कर सकते हो। 8.5 बाई 2 इंच का ये वाला पीस है छोटा वाला हमारा। और इसमें मैं लगाने वाली हूँ प्लास्टिक बोरी। आपके पास कोई फॉर्म वगैरह पड़ी हो तो आप फॉर्म वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, नहीं तो मोटा कपड़ा का यूज कर सकती हूँ अंदर की साइड में। तो देखिए चारों तरफ से मैंने इसको बराबर कट कर दिया है, हॉल पिन से सेट कर लिया है। और जो चौड़ी वाली साइड है हमारी 10.5 इंच वाली, उधर से हमें चैन को अटैच करना है। तो देखिए एक तरफ से मैंने अटैच कर दिया है, इसको बराबर लेते हुए कट भी कर दिया है। अब इसे फोल्ड करके मैं एक और सिलाई लगा दूँगी। तो आजकल पेपर चल रहे हैं तो घर पर ही आप किट बना सकती हो। बाज़ार से बहुत महंगी महंगी किट आती हैं तो घर पर आप इजली बिना किसी लागत के किट बना सकती हो। तो देखिए इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी चैन को इस तरीके से अटैच कर रहे हैं कपड़े के साथ में। अब इसे मैं खोल लेती हूँ क्योंकि हमारी जो सिलाई है वो लग नहीं पाएगी फिर। तो देखिए ऊपर से हम एक और सिलाई लगा देते हैं ताकि ये कपड़ा सेट हो जाए। अब हम इसमें रनर डाल देते हैं, तो रनर भी डाल दिया है। फिर से हमने इसको उल्टा कर लिया है। अब देखिए उल्टा करके हमें बिल्कुल भी सेंटर में जो चैन वाली साइड है, चैन से नीचे की साइड है, उसमें हमें निशान कट्स लगा देने हैं दोनों साइड में। इस तरीके से पकड़ के केवल 5 से 10 मिनट में आप इस किट को बना सकते हो। बहुत ही अच्छी लगती है ये ले जाने में और बनाने में भी। आप इसमें कोई भी मल्टीपर्पज़ कोई भी सामान रख सकते हो, पेंसिल हो या कोई भी चीज़ हो। आपका जैसा कपड़ा होगा वैसे ही ये किट बन के रेडी हो जाएगी सुंदर। देखिए निशान से मैंने चैन को मिलाकर इस तरीके से सिलाई लगा दी है। इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया है। एक और सिलाई लगा देती हूँ ताकि यहाँ पर सिलाई पक्की हो जाए। अब ये जो हमने स्ट्रिप के लिए कपड़ा कट किया हुआ था उसको मैंने इस तरीके से नारी की तरह सिल दिया है सीधा। 8.5 बाई 2 इंच का कपड़ा था ये हमारा। अब देखिए इसे हम डबल फोल्ड करके सेट कर देंगे इसे चैन के। देखिए बीच में इसको दबाएंगे तो जो हमारा निशान हमने कट लगाया था वहीं पर आपको इसे रखना है स्ट्रिप को बीच में। और इसको ऊपर से चैन को अच्छे से अटैच कर मतलब सेट कर देना है। और आरपिन से मैंने सेट कर दिया था ये। तो देखिए आलपिन से सेट करके मैं फिर अब सिलाई लगा रही हूँ उसमें। चैन के ऊपर डबल या ट्रिपल सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी जो सिलाई है वो निकले ना। और एक और सिलाई लगा देती हूँ मैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देते हैं। तो हमारा ये पार्ट इस तरीके से कुछ हो चुका है। अब देखिए हमें चारों कोनों पर निशान लगाना है 1/4 इंच का, मतलब कि 1 इंच से 1/4 इंच कम और 1/2 इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम। तो इतना आपको निशान लगाना, 1/2 इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम, मतलब कि 1/4 इंच का निशान हमें डिब्बा बना लेना है 1/4 इंच का। सिलाई को छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो एक तरफ तो हमारी सिलाई है नहीं है तो हमने एक तरफ से तो 1/4 इंच का ही लगाया है और एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी हमने 1/4 इंच का ही लगाया है सिलाई को छोड़ के। लेकिन इनको हम कट कर लेंगे, चारों हमने कोने पर निशान लगा दिया है, चारों कोनों को कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब देखिए कोने से कोना मिलाकर हमें इस तरीके से कुछ पकड़ना है इसे अच्छी तरीके से और इसमें सीधी सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इसी तरीके से आपको चारों कोने पर सिलाई लगानी है। तो देखिए दूसरे वाले पर भी मैं लगा दूंगी, तीसरे चौथे ऐसे ही लगा देनी है सब पर। तो देखिए मैंने चारों कोनों पर सिलाई लगा दी है और ये किट हमारी रेडी है बहुत ही खूबसूरत सी। और अब कुछ लोगों के तो पेपर चल भी रहे हैं, कुछ लोगों के आने भी वाले हैं, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करना, एक बार ज़रूर बनाना। घर पर ही आप इजली बना सकते हो इसे 5 से 10 मिनट में किसी भी कपड़े से।
तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।